तो हमारा जो मीट था वो रेडी है, आप लोग चेक कर सकते हो। वाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और खुश रखे। तो जैसे कि आप लोगों ने इसको पता है, हमने पिछले व्लॉग में बताया आप लोगों को मीट हम कैसे पका देते, तो आज हम एक अलग तरीके से मीट पकाएंगे, क्योंकि पिछले चक्कर जल्दी थी उस टाइम ना, उस वक्त टाइम बहुत कम था, तो आज तो टाइम हमारे पास बहुत है क्योंकि अभी 10 ही बज चुके हैं। मैंने मीट लाया है तो अभी मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा आज कैसे हम मीट पकाएंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बोला फिर इश्फाक भाई पानी कब डाला, वो हमने देखा नहीं, तो आज आपको सारा दिखाएंगे। पहले मैंने इसमें मीट डाला है, अब मैं इसको पानी डालता हूँ अच्छे से। पहले इसको अच्छे से साफ करते हैं, अच्छे से धोते हैं पहले। पहले इसको अच्छे से धोएंगे। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, तो अभी मैं करता हूँ क्या, अभी इसमें पानी डालते हैं, तो पहले इसको उबालेंगे। ये देखो डाला मैंने पानी, पहले ना इसको उबालेंगे अच्छे से, पहले इसको उबालेंगे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे साथ में, एक चम्मच हल्दी, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच या आधा चम्मच हल्दी डालना। मैंने हल्दी एक चम्मच इसमें डाला, अभी मैं गैस चालू करता हूँ और इसको ढक्कन बंद करके सीटी 2 या 3 मारेंगे, 1-2 सीटी तो मारनी ज़रूरी है, तभी ये अच्छे से उबलेगा पानी में। जब तक ये पानी में उबलेगा तब तक हम एक और काम करते हैं, क्या, प्याज हम काटेंगे। प्याज को हम तब तक रेडी रखेंगे, फिर इसके बाद ना प्याज ही डालना है, तो इसमें हम प्याज काट के रखेंगे और ये भी तब तक रेडी हो जाएगा फ्राई होने के लिए। फिलहाल इसको अच्छे से उबालेंगे, 2 या 3 सीटी अच्छे से मारनी है इसको। आज आपको अलग तरीके से सिखाएंगे मीट कैसे हम पकाते हैं, जब ज़्यादा टेस्ट वाला मीट बनाना हो तो ये वाला तरीका यूज़ करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि पिछले वीडियो में जो आपने देखा है मीट हमने कैसे पकाया, उस टाइम हमें ना बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो उसी वजह से उस टाइम हमने वो तरीका अपनाया। हमारे प्याज रेडी है, आप लोग सोच बोल रहे होंगे इतने प्याज क्यों काटे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है हम ना 5-5, 6-6 बंदे एक साथ होते हैं, तो 2 गाड़ियों का संग है, वो उस गाड़ी में 3 बंदे हैं और हम हमारी गाड़ी में भी 3 बंदे हैं, बासिल भाई और मैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बासिल भाई को मैंने बोला आज ये आपके हवाले गाड़ी, मैं यहाँ पर पे काम करूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ पे मीट बना हो या चिकन बनाना हो मैं शामिल नहीं हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। देखो आप लोग, अभी मैंने इसको पानी में अच्छे से उबाला है, ये देखो तो अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ, प्लेट में रखता हूँ, उसके बाद डालता हूँ तेल और उसके बाद डालेंगे प्याज। फिलहाल मैं इसको बाहर निकालता हूँ, तो इसको मैंने प्लेट में निकाला है बाहर, ये आप लोग देख सकते हो अच्छे से मैंने इसको पानी में उबाला, तो मैंने गैस जलाया, अब मैं इसमें तेल डालता हूँ। प्याज भी रेडी है हमारे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हम क्या क्या करना है। ये देखो, तो अभी तेल डालते हैं, पहले हम दारा वाला तेल खाते हैं, तो अभी आजकल वो रिफाइन वाला तेल नहीं खाते क्योंकि उसमें ना प्रॉब्लम फैट्स गल जाते हैं, हमारे को फैट्स है ही नहीं, तो मैं इसमें तेल डालता हूँ अच्छे से। ये देखो मैंने तेल डाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है 2 किलो मीट है, 1 किलो प्याज भी है, उसी वजह से थोड़ा सा तेल मैंने ज़्यादा ही डाला। तो तेल को थोड़ा सा धुआं निकल गया, तो अभी मैं इसमें प्याज डालता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो सारे प्याज इसमें डालने हैं, उसके बाद प्याज के साथ नमक डालना है। फिलहाल प्याज डालेंगे, प्याज हम ज़्यादा ही खाते हैं, आप लोगों को पता है हमारी ये टेस्टी वगैरह जो भी होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि इसी वजह से हम प्याज ज़्यादा डालते हैं, ताकि तरी भी जो है वो मोटी होनी चाहिए, तरी पतले वाले तरी में मज़ा नहीं, वो पानी लगता है। तो ये देखो मैंने प्याज डाले, अब प्याज को अच्छे से पहले मिलाएंगे, प्याज को मैंने अच्छे से मिलाया है, तो अभी हम एक काम करते हैं, अब इसमें नमक डालते हैं, 2-3 चम्मच नमक डालते हैं, क्योंकि ये देखो मेरे पास नमक इतना है अभी, तो फिर मैं निकालूंगा नमक। फिलहाल मैं इसको 2 या 3 चम्मच नमक डालता हूँ, क्योंकि इससे ना प्याज जल जाएंगे
और प्याज जल्दी जल्दी गल जाएंगे इसमें ना। नमक डालने से प्याज जलते नहीं है, प्याज गल जाते हैं जल्दी जल्दी। तो अब मैं इसको अच्छे से ये मिलाता हूँ नमक, तो उसके बाद इसको ढक्कन बंद रखेंगे और रखेंगे सीटी। तो फिर कम से कम 5 या 6 सीटी देने है। प्याज अच्छे से मिलाया है, तो अब मैंने इसको ढक्कन बंद रखा है। तो ढक्कन बंद रखने के बाद इसको ना लगभग 4-5 सीटी देने है। मगर एक चीज़ ख्याल रखना, जब 1 सीटी निकलेगी उसके बाद आप लोगों को एक काम करना है, ये ऐसा प्रेशर हाथ में उठाना है, तो ऐसा ऐसा करना है, तो 4 मरतबा ऐसा ऐसा करना है कंटिन्यू। 1 सीटी देने के बाद फिर कंटिन्यू, उसके बाद 1 सीटी मिलेगी तो फिर कंटिन्यू, क्योंकि इससे ना प्याज जो है नीचे जलते नहीं है, इससे प्याज अच्छे से गल जाते हैं, जलते नहीं है। ये देखो ऐसा ऐसा करना है, बस 1-2 बार करना है फिर रुकना है। तो मेरे अंदाज से तकरीबन इसको 5-6 सीटी पक गए, तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ क्या प्याज गल गए। ये देखो पहले मैं इसको सीटी बाहर निकालता हूँ और अब इसको ऐसे रखता हूँ। इसको चेक करेंगे अच्छे से, अगर प्याज गल गए तो फिर इसमें डालेंगे मीट। तो आप लोग देख सकते हैं, देखो प्याजों में से जो पानी था तेल वो सारा निकल गया बाहर और प्याज भी गल गए। तो अब इसमें डालेंगे मीट, तो मीट को फ्राई करेंगे अच्छे से, क्योंकि आज आप लोगों को मैंने पहले ही बोला आज एक अलग तरीके से हमें मीट पकाना है। देखो मैं अब इसमें मीट डालता हूँ, इसको ना अच्छे से फ्राई करता हूँ, मीट को पूरा फ्राई करना है। जब लाल हो जाएगा मीट फिर उसके बाद डालेंगे मसाला और पानी, क्योंकि प्याजों को मैंने इसलिए 2-3 सीटी मारी है, प्याज फिर कच्चे रह जाते हैं जब डालते हैं लास्ट में खाने के टाइम, फिर उसी टाइम प्याज ऐसे ही दिख जाते हैं। प्याज फिर मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा, प्याज यहाँ पे दिखेंगे ही नहीं। तो मैंने ना इसको देखो अच्छे से मिलाया है प्याजों के साथ मीट को, तो बस अभी ये इसमें फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें मसाले, जो भी हमारे पास मसाले हैं, हल्दी है, मिर्ची है, पुदीना जो भी है वो सारा इसमें डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालते हम, मसाला ज़्यादा नहीं खाते हैं, यानी गर्म मसाला वगैरह वो हम नहीं खाते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। बस अब इसको पहले फ्राई करेंगे, हो गया ये अच्छे से फ्राई तेल में, तो अभी हम करेंगे काम, अब इसमें डालेंगे मसाले। तो आप लोगों को सारा देखना है वीडियो एंड तक, क्योंकि आप लोगों को पता है फिर आप लोग बोलते हो इश्फाक भाई वो कब डाला ये कब डाला। तो पहले डालेंगे हल्दी, हल्दी डालेंगे 2 या 3 चम्मच, क्योंकि मीट बहुत है, प्याज भी इसमें 1 किलो डाला है, तो चम्मच हमारे पास छोटा है, बस हल्दी डालेंगे इतनी ही 2 चम्मच। तो ये पहले मैं मिलाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है एक हाथ में मोबाइल दूसरे हाथ में चम्मच। डाला मैंने हल्दी, तो अभी मैं इसमें ऐड करता हूँ क्या मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से डालोगे, आप कितना खाते हो उस हिसाब से। हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं मिर्च, हम कम ही खाते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, माजिद भाई जो है वो बोलता है मिर्च हमेशा कम डाला करो, क्योंकि उसको ना ज़्यादा फिर खट्टा लग जाती है चीज़ें। तो मैं इसको अच्छे से मिलाता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ। जिस टाइम आप मिर्च और हल्दी ऐड करोगे उस टाइम आप थोड़ा सा ये देखो इतना सा पानी डालोगे, क्योंकि इससे जो महक होती है ना हल्दी की और मिर्च की वो निकल जाती है। उस टाइम आप साथ साथ में पानी डालोगे थोड़ा थोड़ा करके और मिलाओगे अच्छे से। अभी मैंने इसमें सारे मसाले ऐड किए, आप मैं लास्ट में ये ऐड करता हूँ, इसको हम कश्मीरी में वड़ बोलते हैं। ये देखो सारी चीज़ें मिक्स होती है इसमें, तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऐड करता हूँ। ये मसाले ऐड करने के बाद अभी इसमें करते हैं काम, अब इसमें पानी डालते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डालोगे, जितना आप लोग तरीका होगे, जितने आप लोग बंदे हो उतना ही। तो हम लोग 6 बंदे हैं, 6 बंदों को हमें 2 टाइम ये खाना है, तो बस हमने मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, 2 ही गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। देखो कितना प्यारा, वाह माशाल्लाह। तो अब आप लोगों को टेस्ट कराएंगे लास्ट में, फिलहाल मैं इसको सीटी मारता हूँ 2 या 3 सीटी, क्योंकि आप लोग फिर देख सकोगे हाथ से मीट कैसे बनाया मीट। तो पानी मैंने डाला है इसमें अपने हिसाब से, जितना हमको तरी ज़रूरत है उतना मैंने पानी डाला है। तो अभी मैं इसको 2-3 सीटी मार के फिर चेक करता हूँ मीट गल गया है या नहीं।
आप लोग अपने हिसाब से सिटी मारोगे, अपने हिसाब से टाइम दोगे, जितना मेड कॉल जाएगा जल्दी उतना आप जल्दी गैस बंद करोगे। फिलहाल मैं भरता हूँ इसको, देखता हूँ कितना टाइम लगेगा। तो हमारा जो मीट था वो रेडी है, आप लोग चेक कर सकते हो। वाजिल भाई थोड़ा उठाना यार चम्मच में, ये देखो वाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इसमें ना टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि तेरी देखो कितनी मोटी है, और मीट भी हमारा रेडी है, बस अभी खाने के लिए इंतज़ार रहेगा कब हम खाएंगे। ये देखो माशाल्लाह, देखो कितना प्यारा मीट है। बस दिन के बज चुके 2:15, अभी हमारे खाने का टाइम आ गया। ये देखो हमारा खाना, वाह वाजिद भाई देखो गाड़ी के नीचे खा रहा है। तो पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम कांटा करेंगे, क्योंकि हम ना कांटे के सामने है बिल्कुल, 2 मिनट लग जाएंगे हमें कांटे तक। इस छोटे से प्यारे से व्लॉग को यही पे एंड करते हैं। अगर किसी भी रीज़न से मेरा ये व्लॉग वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।